दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों अक्सर इस बात को लेकर बहस छिड़ी रहती है कि दुनिया में कौन सा धर्म सबसे पुराना है। ज्यादातर धर्म के अनुयायियों का यह मानना है कि उनका धर्म ही सबसे पुराना है और सभी धर्म अपने प्राचीन ग्रंथों और पुराणों का हवाला देते हुए अपने धर्म को सबसे पुराना बताते हैं। लेकिन असल में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, इस बात का पता भाई कैसे चलेगा, ये जानने के लिए हमें इतिहास के बारे में विस्तार से जानना होगा और साथ ही सभी धर्मों की शुरुआत कहां से हुई इस बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी यह फैसला हो पाएगा कि आखिर सबसे पुराना धर्म कौन सा है। सभी धर्मों में दोस्तों एक बात जो समान देखने को मिलती है वो ये है कि हर धर्म ये कहता है कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। सभी धर्मों में खास प्रकार की शक्ति, देवता, भगवान या अल्लाह का जिक्र किया गया है जिन्हें सुप्रीम माना गया है। इस धरती पर मनुष्य युग की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम और अम्मा हव्वा धरती पर जन्म लेने वाले पुरुष और स्त्री थे। ईसाई धर्म में आदम और ईव का जिक्र मिलता है तो वहीं हिंदू धर्म में स्वयंभू और शत्रुपा को धरती का पहला जोड़ा बताया गया है। यानी कहीं ना कहीं सभी धर्मों में कही जाने वाली बातें एक जैसी ही हैं। सभी धर्मों में दूसरों की मदद करना, दान पुण्य करना और अच्छे कार्य करने को भी कहा गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर दुनिया में सबसे पुराना धर्म भाई कौन सा है। लेकिन इसके लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम साइंस और इतिहासकारों के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है। जिस समय दोस्तों मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी और लोग धीरे धीरे सिविलाइज्ड और समझदार हो रहे थे, तब लोगों ने प्रकृति की पूजा करना शुरू किया। जो पेड़ उन्हें फल देते उस पेड़ की अच्छे से देखरेख करने लगे थे और उन्हें अपना इष्ट मान लिया करते थे। अगर कोई जानवर उन्हें एक ऐसी जगह तक पहुँचा देता जहाँ से उन्हें पानी या फिर अन्य किसी ऐसी कोई चीज मिलती जो जिंदगी बिताने के लिए जरूरी है, तो वो उस जानवर को अपना हितैषी समझने लगते थे। उस समय लोग जानवरों और प्रकृति को अपने जैसा ही समझा करते थे और इसी चीज को एनिमिज्म धर्म कहा जाता है। इसके साथ धीरे धीरे इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया। पेड़ पौधों और फल सब्जी उगाने के बारे में उन्हें जानकारी होने लगी। ऐसे में वो खेती बाड़ी तो किया करते थे लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आखिर आसमान से अचानक पानी क्यों गिरने लगता है। सोचने वाली बात है भाई, कभी इतनी ठंड हो जाती है तो कभी गर्मी पड़ने लगती है। इस चीज से कई बार उनकी फसलें खराब भी हो जाती थी। तब ये लोग सोचने लगे कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई तो ऐसी ताकत है जो इन सब बदलावों के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ से पॉलीथिस्टिक धर्म की शुरुआत होती है जिसमें लोगों ने जल देवता, पवन देवता और एक अदृश्य शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए कोशिश करने लगे, जैसे कि अच्छी बारिश के लिए वो जानवरों की कुर्बानी देने लगे, पवन देवता को खुश करने के लिए आग और दिए जैसी चीजें जलाने लगे और इसी प्रकार के कई कामों को लोगों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लिया। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई, लोग अपने हिसाब से धर्म को बनाने लगे। मोनोथियज्म और पॉलीथियज्म की शुरुआत होने लगी और अलग अलग साम्राज्यों और सभ्यताओं में अलग अलग देवताओं की पूजा होने लगी। आपने दोस्तों रोमन गॉड्स के बारे में तो सुना होगा और इनकी कई सारी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। साथ ही माया सभ्यता और मिस्र की सिविलाइजेशन में भी अलग अलग देवताओं को पूजा जाने लगा। तब दुनिया में कहीं पर भी लोग धर्म या जाति के नाम पर लड़ा नहीं करते थे। एक सभ्यता में कई देवताओं की पूजा का भी रिवाज था। लोगों का ऐसा मानना था कि भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ईश्वर असल में एक ही है। पर जब लोग और ज्यादा समझदार होने लगे, या फिर आप इसका विपरीत भी मान सकते हैं, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई कि उनके देवता ही भाई सर्वश्रेष्ठ है और पूरी दुनिया के लोगों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। यहाँ से मिशनरी धर्मों की शुरुआत हुई है जो आज तक चली आ रही है। ये तो हुई इतिहासकार किस प्रकार धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आज के समय में इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्म के लोग इन बातों पर सहमति नहीं जताते। ये सभी अपने धर्मों को सबसे पुराना बताते हैं। हिंदू धर्म को सनातन धर्म माना जाता है, यानी जब से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई तब से ये धर्म अस्तित्व में है। यहाँ तक कि इस धरती की संरचना ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान दिया गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज से लगभग 90,000 साल पहले हिंदू धर्म अस्तित्व में आया था। वहीं 5,500 साल पहले भगवान राम ने धरती पर जन्म लिया और 3,300 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उसी दौर में महाभारत की सूचना भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि किसी भी देवता या भगवान के अवतार ने कभी अपने भक्तों या अनुयायियों से ये नहीं कहा कि उनकी पूजा की जानी चाहिए। आज लोग अपने देवताओं की मूर्ति बनाकर, मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, पर हिंदू धर्म के किसी भी पुराण या वेद में मूर्ति पूजा के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि किसी की भी पूजा मत करो सिवाय उसके जो सत्य है, और उसकी पूजा भी एकांत में करो। वहीं यजुर्वेद में कहा गया है कि जो लोग प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, पेड़, सितारे आदि, वे सभी लोग अंधकार में हैं, और वे लोग और भी ज्यादा अंधकार में हैं जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, मिट्टी की
बनी मूर्ति वगैरह आदि की पूजा करते हैं। पर इंसानों ने अपनी सहूलियत और अपने धर्म के अधिक प्रचार प्रसार के लिए मूर्ति पूजा और तरह तरह के रीति रिवाज मानने शुरू कर दिए। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, इस बारे में भी लोगों की अलग अलग राय है। बहुत से लोगों को लगता है कि आज से लगभग 1400 साल पहले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 571 ईस्वी में, लेकिन इस्लाम धर्म उनके जन्म से काफी पुराना है। इतना पुराना कि आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम धर्म के अनुयायियों का भी ठीक वैसा ही मानना है जैसा हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं। यानी इस्लाम धर्म की शुरुआत पृथ्वी पर मानव जीवन के समय से ही बताई जाती है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को धरती पर भेजा था और यहीं से पृथ्वी पर जीवन चक्र की शुरुआत हुई थी। उस समय हजरत आदम सिर्फ एक ईश्वर या अल्लाह की ही उपासना और इबादत किया करते थे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने ऐसा ही करने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया और लोग सत्य की राह से भटक गए। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी थे और उसके बाद 124,000 ऐसे ही नबी अल्लाह ने धरती पर भेजे जिन्होंने धरती पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान है जिसमें इन सब बातों का जिक्र मिलता है। इस बात से दोस्तों ये तो साफ है कि इस्लाम धर्म 1400 साल नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा पुराना धर्म है। बस हजरत पैगंबर मोहम्मद ने तो अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया था, वो भी असल में अल्लाह के एक नबी ही थे। ठीक ऐसा ही जैन धर्म में भी देखने को मिलता है। आज के समय में लोग मानते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की थी। भगवान महावीर ने आज से लगभग 2600 साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया था, लेकिन वे तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले धरती पर 23 अन्य तीर्थंकरों ने जन्म लिया था। असल में तो जैन धर्म की शुरुआत कब से हुई इस बारे में सटीक जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म के बारे में लोगों को बताया था। और बात करें बौद्ध धर्म की तो लगभग 550 ईसा पूर्व के समय गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और साथ ही सिख धर्म को लेकर भी कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता है। सन 1469 में गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की शुरुआत की थी और उसके बाद सिख धर्म में 10 गुरु हुए जिनके अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और उनके बाद सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिख धर्म में गुरु का दर्जा दे दिया गया था। इन सब धर्मों के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं कि आज के समय में विश्व के सबसे बड़े धर्म यानी ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि रोमन साम्राज्य और अन्य पुराने साम्राज्यों के दौरान अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने का रिवाज था। वहीं इसराइल में कुछ लोगों ने यहूदी धर्म की शुरुआत की जिन्हें ज्यूस कहा जाता है। यहूदी लोग एक समय तक सिर्फ यावे को ही अपना देवता माना करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने जीसस क्राइस्ट को अपना मसीहा मानना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि जीसस क्राइस्ट इस दुनिया के सभी लोगों के लिए सूली पर चढ़ गए थे, उनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, वो ही इंसानों के एकमात्र मसीहा है। और यहाँ से ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। यहूदी लोगों ने लोगों को विश्वास दिलाना शुरू किया कि बहुत सारे देवी देवताओं की बजाय सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और वे ईश्वर और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट ही हैं। प्रथम शताब्दी के दौरान पॉल द अपोस्टल का जन्म हुआ था जिन्हें पॉल या पॉल ऑफ टार्सस के नाम से भी जाना जाता है। पॉल ने ईसाई धर्म को दुनिया में फैलाने का काम शुरू किया। उन्होंने कुछ मिशनरी तैयार किए जो लोगों को ये बताने की कोशिश करते थे कि तुम गलत हो और हम सही हैं। तुम गलत देवता की पूजा कर रहे हो, जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तुम सबको भी उन्हें ही मानना चाहिए। तीसरी शताब्दी में रोमन इसराइल से फैलते हुए ये धर्म रोमन साम्राज्य तक पहुंचा और 312 AD में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने शपथ लेकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया, यानी वो बैप्टाइज हो गए थे और यहाँ से क्रिश्चियनिटी धर्म ने एक नया मोड़ ले लिया। इस घटना को पूरी दुनिया द ट्रायंफ ऑफ द चर्च के नाम से जानती है। अभी तक लोग सिर्फ जीसस और उनकी टीचिंग्स को ही फॉलो किया करते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि जीसस ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए और चर्च बनवाने चाहिए। साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी धर्म के साथ जोड़ दिए गए और इन सभी को मानने वाले लोग रोमन कैथोलिक्स कहलाए गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने चर्च और जीसस की मूर्ति बनवाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जीसस को दिल से याद करना चाहिए, ये सब कुछ आडंबर है और जीसस ने कभी नहीं कहा कि आप उनके लिए ये सब करो। और इस दूसरे गुट के लोगों को प्रोटेस्टेंट्स कहा गया। आज भी दुनिया भर में ईसाई धर्म के लोग दो गुटों में बटे हुए हैं और कई बार इन दोनों गुटों के बीच काफी लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान दोनों गुटों के बीच कई युद्ध हुए जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों सबसे पुराना धर्म कौन सा है, इस बात पर बहस करने से अच्छा है कि आप मानवता धर्म को अपनाएं। यकीनन किसी भी धर्म में दूसरों की जान लेना, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराना या फिर धर्म के नाम पर दंगे फसाद करना ऐसा नहीं कहा गया है। दोस्तों
दोस्तों, हमने आपको सभी धर्मों के बारे में बताया और अब ये फैसला आपको करना है कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है। आज के समय में दुनिया में 300 से भी ज्यादा धर्म है और अगर इन धर्मों से निकली शाखाएं भी जोड़ दी जाएं तो कुल धर्मों की संख्या 4000 से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थी सभी धर्मों की दास्तां। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। अपना